गाड़ी वाला साहब एक पीछे खोल दिया। हमारे खाद्य उपभोक्ता परिषद के छत्तीसगढ़ सरकार के सदस्य थे और हम लोग के बहुत अभिन्न मित्र थे, हमारे चुनाव के संचालक भी थे और चुनाव परिणाम आने के बाद थोड़ा सा दुखी तो रहते थे लेकिन एक बार बोलते भी थे कि अब क्या होगा। जो मैं बोलता भी था कि सब स्थिति सामान्य हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। कल भी मिले थे, थोड़ा भी आभास नहीं हुआ कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। हम लोग सब पूरे कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर में बैठ करके चाय पानी सब साथ में किए और इसके बाद शाम को एक बार फिर फ़ोन किया तो समय में राजू अग्रवाल के यहाँ उनकी लड़की का शादी का फंक्शन चल रहा तो उसमें था, मतलब सुबह मिलेंगे, देर तक उसी में थे। कल कुछ बात नहीं हो पाई लेकिन सुबह उनके लड़के का फ़ोन आया कि मोबाइल छोड़ के कहीं चले गए हैं, पता नहीं चल रहा है। तो मैं बोला पता करो कहाँ हैं और जब पता लगे तो बताना। फिर अब बाद में पता आया, खबर लगा कि इस प्रकार की घटना हो गई है। हम लोग सब दौड़े दौड़े फिर हॉस्पिटल आए। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत गली में सुरेश अग्रवाल जी है जो कांग्रेस के नेता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति परिषद के सदस्य है, उनका सुसाइड का एक मामला आया था जिसमें वो घर वाले बता रहे कि सुबह वो 5 बजे उठ के घर से बाहर निकला था और 7 बजे तक वो वापस नहीं आए तो उनके बेटा ढूंढने लगा तो उन्हीं के घर के जो बेसमेंट में वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ले बोल के सामने आया है। अभी उसमें जांच जारी है, जो भी आपको अपडेट दूंगा।